जी सर, क्या पूरा मामला है? जो शराब लेकर जा रहे थे सहारनपुर से, कहाँ ये लेकर जा रहे थे, कहाँ से लेकर आए थे, कितने लोग इसमें हैं, क्या कुछ बरामदगी हुई है? जी, पूरा प्रकरण इस प्रकार है कि कल रात को दिल्ली रूट पे एक मुखबिर की सूचना मिलती है, जिसपे सदर बाजार की थाना टीम एक ट्रक को इंटरसेप्ट करती है। जब ट्रक को तलाशी के लिए रोका जाता है तो उसका जो ड्राइवर है मुर्सलीन, वो मौके से ही भाग जाता है, और जो उसमें उसके साइड में कंडक्टर की तरह बैठा हुआ था वो अपने आप को गुलशेर नाम का बंदा बताता है। और जब ट्रक की पूरी तलाशी ली जाती है, वहाँ पे आबकारी टीम को भी बुलाया जाता है, तो उसमें ऊपर से कुछ प्लास्टिक का सामान लदा हुआ था, और उसके अंदर जब पूरे सही से टटोला जाता है तो उसके अंदर हमें करीब 357 पेटी इंपीरियल ब्रू चंडीगढ़ मार्ग का शराब की पेटियाँ मिलती हैं। और उसके बाद जब हमने पूछताछ की इससे गुलशेर से, तो उसके द्वारा बताया गया है कि ये जो ट्रक है इसमें जो शराब लदी है ये पंजाब के सरहंद जिले से एक डिस्टिलरी से लदी हुई है, जिसके बारे में नहीं जानता है कि कहाँ से लदी है, क्योंकि इसका मानना है कि इसका एक साजी है विक्रम, जो रोहतक का रहने वाला है, वही कोऑर्डिनेट कराता है। ये अल्टीमेटली पंजाब से 4 तारीख की रात को लदी थी, और 5 तारीख की रात को, 5 तारीख की सुबह दिन में इसको सेल्स टैक्स की टीम ने यहाँ पे पकड़ा था, दिल्ली मुजफ्फरनगर और सहारनपुर बॉर्डर पे पकड़ा था, और उसके बाद से इसको ये अपनी जो GST कार्यालय है वहाँ पे लेके आए थे। उसके बाद ये गुलशेर यहाँ पे आते हैं, मुस्लिम को कॉल करते हैं, तो गुलशेर के द्वारा बताया जाता है कि कुछ लोगों के सहयोग से उन्होंने GST से ये ट्रक छुड़वाया है, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट 13 लाख रुपये कुछ दिए भी हैं। और उसके बाद ये ट्रक छुड़वा के जा ही रहे थे कि पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट करके पकड़ लिया है, और इनको आगे जाना था मुजफ्फरपुर बिहार, ऐसे इनके द्वारा बताया गया है। सर, क्या GST को इसकी जानकारी नहीं हुई? GST ने मानचेक नहीं किया, क्योंकि भारी मात्रा में इसमें शराब पकड़ी गई है। जी हाँ, जो हमें पेपर्स मिले हैं उनके द्वारा उसमें देखा गया है कि वहाँ पे GST के असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिन्होंने इसका रिलीज ऑर्डर दिया है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि GST विभाग द्वारा इसका इंस्पेक्शन किया गया है। और अब वो किस तरह इंस्पेक्शन किया गया है, किस तरह ये छूटा है, उसके लिए आगे GST विभाग से पत्राचार किया जाएगा। सर, अभी कितने लोग इसमें फरार बताए जा रहे हैं, मालिक कहाँ के हैं जिन्होंने ये शराब भेजी थी, और कौन सहारनपुर के कौन लोग संलिप्त है इसमें? इसमें बेसिकली विक्रम जो रोहतक का बताया जा रहा है, वो और गुलशेर यही दो मेन आदमी थे जो ये काम करते थे। गुलशेर को यहाँ पे इसलिए भेजा गया था कि उसकी लोकलाइजिंग अच्छी थी, जो गुलशेर है उसका ससुराल यहाँ पे है। और ये भी बताया जा रहा है, गुलशेर ने बताया कि जब 13 लाख रुपए का अरेंजमेंट हुआ है उसमें से कुछ नकद तो विक्रम ने अपने ड्राइवर के थ्रू यहाँ पे सहारनपुर भिजवा दिए थे, और कुछ अकाउंट्स में जो उसके ससुराल वाले हैं और जिनको जो जानकार हैं गुलशेर के, उनके अकाउंट में पैसा डलवाया गया था, वो पैसा विड्रॉ हुआ है, और वो पैसा किसी बिचौलिया के हाथों बताया जा रहा है कि GST विभाग में दिया गया है। सर, क्या इससे पहले भी ये लोग सहारनपुर के थ्रू इस तरीके से तस्करी कर चुके हैं? अभी पूछताछ में बताया गया है कि इनके द्वारा 3 से 4 बार ऐसा मूवमेंट यहाँ पे किया जा चुका है, पंजाब से बिहार ट्रक का मूवमेंट करके शराबे वहाँ पे पहुँचाई जा चुकी है। कीमत कितनी होगी लोगों की? जी, टोटल 30 से 35 लाख रुपए की जो शराब बरामद हुई है उसकी जो MRP उसके हिसाब से वैल्यू हुई है, उसके अलावा ट्रक भी जो बरामद हुआ है उसकी 15 से 20 लाख रुपए की वैल्यू है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया था कि इनके जानकार हैं सोनू गुलशेर के, और सोनू किस तरह से इन शहनवाज जो अपने आप को कथित पत्रकार बताते हैं वो जानते थे, और उनका ही कोई अंदर जानने वाला था GST विभाग में, जिनके द्वारा ये पूरा ट्रक वहां से छुड़वाया गया है।